नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेकएम। टेकएम में आज के दिन में काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है, लगभग 2.5% से ऊपर की तेजी आज देखने को मिल रही है शेयर में। जानेंगे इस शेयर के टेक्निकल एस्पेक्ट को वन बाई वन। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, लगातार काफ़ी दिनों से बैक टू बैक ग्रीन पे ग्रीन कैंडल आ रही है और ये शेयर जो है अपने टॉप से यहाँ पर काफ़ी परसेंट, यहाँ पर 37% 36% यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। यानी लगभग ये तो 47% तक 50% तक यहाँ पर लगभग करेक्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ से दोबारा से ये शेयर खड़े उठने की कोशिश कर रहा है और जो IT सेक्टर में जो दबाव था वो अब यहाँ पर इस शेयर में भी देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर यही रुझान आ रहा है कि IT सेक्टर फिर से बूम कर रहा है। तो IT सेक्टर के बूम में क्या यहाँ पर टेकएम भी यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर हम इस शेयर में बनाएं तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस शेयर में। तो रेजिस्टेंस देखेंगे, पिछली बार जिस पॉइंट पर यहाँ से टकरा के नीचे आ गया फिर ऊपर गया था, उसी पॉइंट के आसपास यहाँ पर शेयर नज़र आ रहा है। तो यानी कि ये हो चुका है यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट। रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद कुछ सपोर्ट पॉइंट भी बना लेते हैं। नीचे पे सपोर्ट है तो सपोर्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आएगा तो नीचे सपोर्ट भी होने चाहिए। सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ग्रीन कलर से बना लिया है। उसके बाद ऊपर आने वाले रेजिस्टेंस कौन से होंगे, बड़े रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, बड़े रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं इसके बाद 1371 के लेवल पर। बाकी अभी यहाँ पर हमें 1150 1150 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जिसको तोड़ के अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आज बना लेता है टेकएम तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। उसके साथ साथ हम यहाँ पर अगर RSI पर नज़र डालें तो RSI हमें कुछ और अलग कहानी बता रहा है। RSI यहाँ पर 67 पर चल रही है, जो कि ओवरबॉट कंडीशन के आसपास ही घूम रही है। ओवरबॉट को अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लें स्टाइल में, 80 पर ले जाएं तो हमें थोड़ी सी संभावना बसती नज़र आ रही है। 80 पर जाएंगे तो फिर इसके बाद होगी संभावना, और नीचे 20 कर लेते हैं। ये सेटिंग आप लोग भी अपनी RSI में चेंज कर लीजिए तो आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं RSI 67 के पास है, मतलब कि अभी ओवरसोल्ड से तो काफ़ी दूर है। ब्रेकआउट हो जाता है अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाती है तो मतलब कि ये जो बेस हो जाएगा फिर ये टेकएम के लिए रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट में बन जाएगा। बस यहाँ से आज ये कैंडल ऊपर बन जानी चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग छोटी इस कैंडल को। अभी तो सुबह 1:30 ही बज रहे हैं, शाम के 3:30 तक अगर यहाँ पर ये मोरी बाजू कैंडल बदल जाती, जो ये कैंडल है अभी ये कैंडल बन रही है शूटिंग स्टार, मतलब कि ऊपर कोशिश की लेकिन ऊपर सेलर का दबाव आया ताकि नीचे आ रही है। ये कैंडल कमजोरी की मानी जाती है, लेकिन अगर आपकी दिन के एंड तक आप लोग इसे वॉच करेंगे तो ये कैंडल शूटिंग स्टार से मोरी बाजू कैंडल में बदल सकती है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक में पैटर्न में ये होता है कि ऊपर से लंबी विग होती है, नीचे एक नीचे की तरह कैंडलस्टिक होती है। तो अगर ये कैंडल ऊपर बंद हो जाती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ जाएगा इस शेयर में। लेकिन एक ये दिक्कत है कि अगर आप लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे तो आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत लंबा बैठेगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठेगा यहाँ से 80 रुपये, लगभग 85 रुपये का, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट पे ही आप लोग अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। बाकी आप लोग फिर उसके बाद इस 80 रुपये से ज़्यादा ही कमाने होंगे आप लोगों को। अगला रेजिस्टेंस आपको काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, यानी उस रेजिस्टेंस से पहले अगर 197 तक की तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उसके बाद हम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही होती है, ये आप लोगों को मैंने कई बार बात समझाई है। चलिए 400 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। दूसरी जो दिक्कत नज़र आ रही है मुझे, 400 मूविंग एवरेज भी इसी पॉइंट के ऊपर नज़र आ रहा है हमें। 400 मूविंग एवरेज को जब भी या तो टकरा कर वापस आ जाते हैं कई बार शेयर, या उससे सपोर्ट लेने के बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको 400 मूविंग एवरेज का वेट करना चाहिए। 400 मूविंग एवरेज के ऊपर ये शेयर आके टिक जाता है, साथ साथ ये रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर लेता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर हमारे लिए थोड़ी सी सेफ हो जाएगी, क्योंकि 400 मूविंग एवरेज के ऊपर आने का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड जो नेगेटिव ट्रेंड में था, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 400 मूविंग एवरेज नीचे गया तो हमने ट्रेंड यहाँ पर
ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका था ट्रेंड, अब यहाँ से 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो हमारा ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ओवरसोल्ड ना हो जाए, ये ओवरबोट ना हो जाए, माफ़ कीजिएगा ओवरबोट हो जाता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को मिक्स यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा के FNO डाटा, क्योंकि ये FNO का शेयर है तो कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें FNO से भी नज़र आएंगे। ये मंथली एक्सपायरी का यहाँ पर डाटा नज़र आ रहा है हमें, 1200 के लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो 1100 पे नज़र आ रहा है। तो अगर FNO डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 1100 के लेवल से नीचे इस एक्सपायरी में नहीं जाने देंगे, मंथली एक्सपायरी सेप्टेम्बर की एक्सपायरी में, और 1200 के ऊपर इसे जाने नहीं देंगे। तो 1200 के लेवल पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए टेक्निकल और FNO दोनों ही हमें ये बता रहा है कि 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ये शेयर आ जाएगा उसके बाद बड़ी तेजी होगी। अगर जो लोग इस ऑप्शन चेन को नहीं समझ पा रहे उनको बता देता हूँ कि रेड कलर की जो कैंडल है ये कॉल राइटर है और ग्रीन कलर की कैंडल जो है पुट राइटर है, यानी कॉल राइटर वो होते हैं जिन्होंने कॉल बेची हुई होती है और पुट राइटर वो होते हैं जिन्हें पुट बेची हुई होती है। मतलब कि पुट राइटर तेजी करना चाहते हैं, कॉल राइटर मंदी करना चाहते हैं। तो ये तो डेली का डाटा है तो चेंज होता रहता है, लेकिन मंथली डाटा पर हम लोग यहाँ पर नज़र रखेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न बनते नज़र आ रहा है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और साथ साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग चाहिए। शायद वो आज ना हो पाए, आने वाले 2-4 दिन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छी यहाँ पर पोजीशन बनाने का मिल सकती है। ध्यान आपको रखना है बस 400 डे मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस से ऊपर की क्लोजिंग का। साथ साथ आप लोगों को ध्यान ये भी रखना है RSI ओवरबोट ना हो जाए। फंडामेंटल पर नज़र डाल लेते हैं। फंडामेंटल बेहतरीन ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए, 9,000 रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें से देखिए प्रॉफिट मार्जिन 12% का है। यहाँ पर 1,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर रही है कंपनी हर क्वार्टर, देखिए बहुत बढ़िया कमाई रहती है। जो पिछले कुछ तिमाही से थोड़ी कम हुई है, कभी कभी 2,000 करोड़ की भी कमाई हुई थी, लेकिन 1,000 पे जो आ चुकी है धीरे धीरे फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपये और डॉलर में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसलिए कमाई पे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ असर देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर सब चीज़ें बता दी हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई कॉल प्रोवाइडर चैनल नहीं है। यहाँ पर हम आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स नहीं देते, हम लोग चाहते हैं आप लोग आत्मनिर्भर बन जाए। जो चीज़ मैंने सेटअप आपको बताया इस चीज़ को आप और स्टॉक में भी लगाकर इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी शेयर का। हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से एजुकेट किया जाए, आप लोगों को यहाँ से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी, अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जर्नी को यहाँ से आगे बढ़ा सके और पॉजिटिव मोमेंट दे सके अपनी इस करियर को। इसके लिए दोस्तों हम लोग आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस हो या बेसिक स्टॉक मार्केट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर लेके आते रहते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से कुछ सीख कर अपने आप को ग्रोथ कर सके, आत्मनिर्भर बना सके, और आप लोग यहाँ से दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म करें, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, कभी भी आप किसी के चंगुल में ना फंसें और यहाँ से खुद से सीखकर आत्मनिर्भर बनकर अपने आप से आगे बढ़ें। इसी के लिए दोस्तों हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्स उपलब्ध कराए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों आप लोगों को इस मुहिम से हमारे जुड़ना है और उन दोस्तों के साथ हमारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है उन्हें आप लोगों को शेयर करना है टेक्निकल एनालिसिस के, ताकि जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिन्हें असल में सीखने की ख्वाहिश है लेकिन वो कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी लिमिटेशन के कारण, तो उन तक हमारे चैनल को, हमारे कोर्स को आप लोगों को पहुंचाना ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा है तो जल्द जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप चाहते किसी और शेयर के बारे में जानना समझना तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस मुहिम से आपको जुड़ना है, ज्ञान को फ्री बांटने की इस मुहिम से आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है ताकि और लोगों तक हम लोग पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट से शुरुआत कर सकता है, और जो नए हैं इस मार्केट में वो बेसिक स्टॉक मार्केट से शुरुआत करके फिर टेक्निकल एनालिसिस में जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।